मनंते मणि बनो भ्रमे मत सोखे मन वचन केवल पहो नमः स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडारम्भ ग्रंथ, इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उनमें से पहले खंड जीवोत्थान को टीका और हिंदी अनुवाद सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी कि पहली पुस्तक पर चल रही है। विविध बिंदुओं द्वारा मंगलाचरण पर चर्चा के बाद में मार्गनाओं के नाम, उनके भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप
इसके बाद सत्ताधी आठ अनियों के नाम उनके क्रम का औचित्य उनका भी स्वरूप इसके बाद भेद अभेद अपेक्षा से सत अनियों की मुख्यता से गुणस्थान और गुणस्थान अतीत सिद्धदेव भगवान का निरूपण करने के बाद मारिणाओं के भेदों के अंतर्गत गति मारिणा के पांच भेद इंद्री मारिणा के छह भेद और काय मारिणा के सात भेदों पर चर्चा के बाद में योग मारिणा पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भी मनोयोग के चार भेद वचन योग के चार भेद कायोग के सात भेद इन पर चर्चा के बाद में इनके गुण स्थानों पर अपनी चर्चा चल रही है। संक्षेप से तीनों योग संगी पंचेंद्र से लेकर संयोग केवल गुण स्थान तक विशेष से कहेंगे तो कहा योग एक इंद्रिय से संयोग केवल गुण स्थान तक वचन योग दो इंद्रिय से संयोग केवल गुण स्थान और मनोयोग शनि पंचेंद्र से संयोग केवल गुण स्थान तक। इनमें भी जब अलग अलग भेद नहीं देखते हैं सामान्य तब ये अपेक्षा विशेष कथन करने पर मनोयोग में भी असत्य और उभय और वचन योग में भी असत्य और उभय बारहवें गुण स्थान तक ही ऐसे ही आहारक कायु और आहारक मिश्र कायु मात्र छठवें गुण स्थान में वैकृत कायु और वैकृत मिश्र कायु पहले से चौथे तक वैकृत मिश्र तीसरे में नहीं है। सामान्य से औदारिक और औदारिक मिश्र कायु पहले से तेरहवें तक फिर भी उसमें विशेषता कि जो औदारिक मिश्र कायु है वह पहले दूसरे चौथे और तेरहवें गुण स्थान में केवली समुद्रात के समय कपाट अवस्था में होता है। कर्मण कायु पहले दूसरे चौथे और केवली समुद्रात की अवस्था में प्रकर और लोकपूर्ण समुद्रात में होता है। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। सामान्य से तीनों योग मिथ्या दृष्टि संगी से लेकर संयोग के भी तक होते ही अब इसको लेकर के शंका समाधान पृष्ठांक 310 पर नीचे शंका समाधान काय योग एकेंद्रीय जीवों के भी होता फिर यहां उसका संगी पंचेंद्रिय से कथन क्यों किया क्योंकि आपने तीनों योगों की चर्चा की तो लिखा संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग के भीतर तो उनमें से कायुक तो एक इंद्री के भी समाधान नहीं क्योंकि यहाँ पर वचन योग और मनोयोग से अभिना भाव रखने वाले काय योग की विवक्षा अकेले काय योग की नहीं इसी प्रकार वचन योग का भी कथन करना चाहिए। अर्थात यद्यपि वचन योग द्विंद्री जीवों से होता है फिर भी यहाँ पर मनोयोग का अभिनाभावी वचन योग विवक्षित है इसलिए उसका भी संगी पंचेंद्र से कथन
किया है, वाहक बचन योग तो संघी पंचेंद्र के पाया जाता, वाहक का योग तो संघी पंचेंद्र के पाया जाता। इस अपेक्षा से ये तीनों योग संघी पंचेंद्र मिथ्या दृष्टि से देखा है, संयोग के लिए नामक तेरह में गुण स्थान था। ये हुआ तीन संयोगी का, यानी तीनों जहां पाए जाते हैं उनके गुण स्थान। अब दो जहां पाए जाते, यदि दो पाए गए तो कौन कौन से हो सकते, चूंकि इनका क्रम है तो दो होंगे, तो फिर मनोयोग नहीं, वचन योग और काय योग। अब उनकी अपेक्षा चर्चा 311 पेज पर। अब द्विसंयोगी योगों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यहां भी ध्यान में रखना है कि जो त्रिसंयोगी द्विसंयोगों की बात की, इसका मतलब यह नहीं कि तीनों एक साथ होते अथवा दोनों एक साथ होते, तो क्या कि इन जीवों के ये हो सकते, एक बार में तो एक ही होगा पर ये हो सकते, इस अपेक्षा से त्रिसंयोगी और द्विसंयोगों की संयोगी की चर्चा। सूत्र 66 311 पेज पर। बची जोगो काहे जोगो भी इंद्रिय पौड़ी जाब असन्नी पंचेंद्रिय याति हो गया, यति पंचेंद्रिय पंचमी शब्द आया आगे सेवेंटी थ्री मिनट के सूत्र में पंचेंद्रियम पहले 37 नंबर पेज पर दिया है, पंचेंद्रिया वचन योग और काय योग द्विंद्रिय द्विंद्रिय जीवों से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक होते हैं। ये दो इंद्रिय से शुरू हो जाता वचन योग, इसलिए यहां पर सामान्य वचन और कायों की विवक्षा होने से द्विंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक सामान्य से दोनों योग पाए जाते,
किंतु विशेष का विशेष के अवलंबन करने पर द्विंद्रिय से असंगी तक वचन योग के चौथे भेद यानी अनुभव वचन का ही सत्व समझना चाहिए, शेष तीन नहीं होते। सामान्य विशेष में ही कितना अंतर पड़ जाता, और इसीलिए सामान्य की अपेक्षा विशेष जानकारी अधिक महत्वपूर्ण होती। शंका, इन दोनों योगों का द्विंद्रिय से आदि लेकर असंगी पर्यंत जो सद्भाव बताया है, यह आदि और अंत का व्यवहार यहाँ पर घटित नहीं होता है। 311 पेज, क्योंकि इन जीवों से आगे के जीवों के भी वचन योग और काय योग पाए जाते हैं। 311 है, इसलिए असंगी तक ये योग होते हैं, यह बात नहीं होती। यानी प्रकरण ये छेड़ा है आपने कि दो संयोग वाले कौन, तो कौन से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक, और वे दो कौन कौन, वचन योग और काय योग। तो वचन योग और काय योग तो 13वें गुण स्थान तक चले, तो आप अकेले असंगी पंचेंद्रिय तक ही इनकी सीमा क्यों बता रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि आगे के जीवों के तीनों योगों का सत्व पढ़ जाता है। यानी अकेले दो का सत्व देखेंगे तो वह दो इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के तीनों का सत्व वो समझ अलग हो जाएगा, वो चर्चा अलग। शंका, यदि ऊपर तीनों योगों का सत्व है तो रहा भी, फिर भी इन्हें दो योगों के कथन करने में क्या हानि है। मैंने तीन में दो भी तो गर्भित है ना, तो इन दो को भी संयोग के लिए तक गिना थी आप। समाधान, नहीं, क्योंकि विवक्षित द्वि संयोग का त्रि संयोग के साथ कथन करने में विरोध आता है, इसलिए द्वि संयोगी योग का असंगी तक ही कथन किया। मात्र काय योग और वचन योग, मनोयोग जहां बिल्कुल नहीं, चर्चा उनकी चल रही है, तो मनोयोग के साथ उनका संबंध लगाना कैसे उचित होगा, इसलिए उनको यहाँ नहीं लिया। मात्र दो द्वि संयोगी बंगो द्विंद्रिय से लेके असंगी तक, इस तरह तीन संयोग का हो गया। यानी तीनों जहां पाए जाते वे संगी मिथ्या दृष्टि से संयोग के, दो जहां पाए जाते वे द्विंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय। अब अकेला ये इन्हें अकेला कायम, अब उसकी चर्चा। अब एक संयोगी योग के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, काय योग ये इंद्रियन, काय योग एक इंद्रिय जीवों के होता, यानी अकेला काय योग एक इंद्रिय जीवों, एक इंद्रिय जीवों के एक काय योग ही होता है, ना उनके वचन योग न मनोयोग। द्विंद्रिय से लेकर असंगी तक जीवों के वचन और काय ये दो योग होते हैं, तथा शेष जीवों के तीनों ही योग होते हैं, यानी संगी से लेकर
सहयोग के लिए प्रकट की गई। पहले सामान्य से योग का तत्व कहकर अब विवच्छेद योग इस काल में इसी योग का तत्व है और इस काल में इसी योग का तत्व नहीं है, इस बात के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सामान्य से तो सत्ता बता दी, पर विशेष यदि देखेंगे तो विशेष में अंतर पड़ना है। क्यों? क्योंकि विशेष में तो पर्याप्त का पर्याप्त का भेद होना है। अब इस दृष्टि से आगे का विषय आ रहा है। सामान्य से ये योग काय योग अकेला एक इंद्रिय के, काय और वचन योग द्विंद्रिय से लेके असली पंचेंद्रिय तक, काय वचन और मन तीनों योग शनि पंचेंद्रिय से लेकर स्थान। अब इनमें तो पर्याप्त का पर्याप्त दशाएं भी है, उनकी अपेक्षा इन योगों की क्या स्थिति है, इसका प्रतिपादन करना अब आगे के विषय का निर्देश। तो आगे काल की अपेक्षा में किस दशा में कौन कौन से योग, इसको बताने के लिए सूत्र 312 पेज पर सके। मन योग बची योग पज्जतानम अति अपज्जतानम नति, मनोयोग और वचन योग पर्याप्तकों के ही होते हैं, अपर्याप्तकों के नहीं। जब पहले पर्याप्त अपर्याप्त की चर्चा आई थी उसमें भी विषय आया था कि अपर्याप्त दशा में मनोबल और वचन बल नहीं होता, श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता। यहाँ मन और वचन की मुख्यता तो ये अपर्याप्त दशा में नहीं पर्याप्त होने पाती। अब इस पर से प्रश्न शंका, क्षयोपशम की अपेक्षा अपर्याप्त काल में भी वचनियों और मनोयोग का पाया जाना विरोध को प्राप्त नहीं होता है, क्या कहना चाहिए? जो सामर्थ्य है और उस संबंधी कर्मों की स्थिति, यानी किसी में उदय निमित्त है तो किसी में क्षयोक्षम निमित्त, तो उदय वाले कर्म भी क्षयोक्षम वाले कर्म भी बिगड़े गति से ही हो जाते हैं साथ में। तो जब कर्म की भी स्थितियां चल रही, जीव की भी योग्यता चल रही, यानी वहां कर्म का क्षयोक्षम आदि भी है और यहाँ क्षयोक्षम एक भाव पांच लब्धियां इनकी योग्यता भी प्रकट हो गई, तब फिर अपर्याप्त दशा में इन योगों को क्यों नहीं मान रहे हैं? मान लेना चाहिए, योग्यता तो पूरी हो गई है। समाधान नहीं, क्योंकि जो क्षयोपशम वचन योग और मनोयोग रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है उसे योग संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। यदि अकेले वो कर्म की क्षयोपशम दशा प्रकट हुई, जीव में भी उस तरह की योग्यता, परंतु वचन योग और मनोयोग रूप से प्रवर्तन हो सके ऐसी क्षमता अभी नहीं आई, तो जब ये क्षमता नहीं आई तो वहां योग कैसे माने जाए? इसलिए अपर्याप्त दशा में वचन योग और मनोयोग को स्वीकार नहीं किया। शंकर, पर्याप्त जीवों के भी विरुद्ध योग को प्राप्त होने रूप अवस्था के होने पर विवक्षित योग नहीं पाया जाता। बहुत सुंदर शंका, यानी आपने कहा वो प्रवृत्ति रूप नहीं है पर्याप्त दशा,
इसलिए हम इन योगों को अपर्याप्त दशा में नहीं कहेंगे। तो शंका ही कि जब पर्याप्त हो गया तो सभी योग प्रवृत्ति रूप थोड़ी रहते, कोई एक योग ही प्रवृत्ति रूप रहता, बाकी तो नहीं, तो फिर उस समय उन्हें स्वीकार क्यों कर रहे। ये समझा कि पर्याप्त जीवों के भी विरोधी योग को प्राप्त होने रूप अवस्था के होने पर विवक्षित योग नहीं पाया जाता। यानी वचन योग चल रहा होगा, मन योग नहीं, कायोग नहीं, कायोग चल रहा होगा वचन मन नहीं, उनके भेदों में भी यही स्थिति, तो वहां पर इन्हें स्वीकार क्यों किया। पर्याप्त जीवों के भी विरोधी योग को प्राप्त होने रूप अवस्था के होने पर नहीं, क्योंकि जो क्षयोक्षम वचन योग और मनोयोग रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है उसे योग संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। तो पर्याप्त जीवों के भी विरुद्ध योग को प्राप्त होने रूप अवस्था के होने पर विवक्षित योग नहीं पाया जाता है। यानी शंकाकार का यह अभिप्राय कि जिस प्रकार अपर्याप्त अवस्था में मनोयोग और वचन योग का अभाव बतलाया गया, उसी प्रकार पर्याप्त अवस्था में भी किसी एक योग के रहने पर शेष दो योगों का अभाव रहता है, इसलिए उस समय भी उन दो योगों के अभाव का कथन करना चाहिए। आपने प्रवृत्ति के साथ संबंध जोड़ा तो प्रवृत्ति का अभाव तो पर्याप्त दशा में भी देखा जा सकता, तो उस समय फिर तीनों योग आप कैसे कह रहे हैं। ये प्रश्न समाधान नहीं, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में किसी एक योग के रहने पर शेष योग संभव है, इसलिए इस अपेक्षा से वहां पर उनके अस्तित्व का कथन किया जाता है, अथवा उस समय वे योग शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से उनका अस्तित्व कहा जाता है। पर्याप्त अवस्था में जो तीनों योग स्वीकृत किए उसके पीछे दो हेतु दिए, एक तो ये योग क्षण क्षण में बदल जाएगा, तो तीनों में से कोई भी बदल जाएगा यानी उनका अस्तित्व है, इसलिए तीनों कहेंगे। दूसरा कि व्यक्त शक्ति रूप से विद्यमान, यानी कभी भी प्रवृत्ति किसी भी योग की हो सकती, तो उनका अस्तित्व शक्ति रूप से विद्यमान, इसलिए भी उनके तीनों योग कहे। अपर्याप्त में वैसे व्यक्त शक्ति नहीं है और परिवर्तित होकर के भी जब तक अपर्याप्त है तब तक प्रवृत्ति की संभावना नहीं है, इसलिए वहां अभाव का। इन सभी सूत्रों में समुच्चय रूप अर्थ को प्रकट करने वाला च शब्द नहीं होने पर भी सूत्रोक्त पदों से ही समुच्चय रूप अर्थ प्रकट हो जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यानी ये तीनों योग, तीनों की एकता पर्याप्त को में होती है, अपर्याप्त को में नहीं, ऐसा अर्थ अपने आप ही लगा लेना। अब सामान्य कायों की सत्ता के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी अभी मनोयोग और वचन योग की चर्चा की कि पर्याप्त होते ही वो थे, अपर्याप्त होते नहीं। अब सामान्य कायों, सामान्य मतलब सात का भेद किए बिना अकेले कायों की चर्चा। काय जोगो पज्जत ताणम भी
അത്തി അപദ്ധതാണമ്പി അത്തി ബിന്ദി തോൽപ്പി ചുറ്റി കായി യോഗ പര്യാപ്തകോ കേ ഭി ഹോതാ ഹേ ഓർ അപര്യാപ്തകോ കേ ഭി ഹോതാ കായോ हर स्थिति में विद्यमान। सूत्र में जो अपी शब्द आया बी पद्यतानो बी ये अपी का जो अपी शब्द आया है वह समुच्चय अर्थक जानना चाहिए, यानी दोनों ही स्थिति में कायोग होता है। शंका समुच्चय किसे कहते हैं? समाधान किसी एक शब्द के निर्दिष्ट स्थान में दो आदि बार प्राप्त होने को समुच्चय कहते हैं, सबका संग्रह करना, यानी अनेकों बार वह शब्द आ रहा तो उन सबका संग्रह कर लेना समुच्चय। शंका आपने कहा एक शब्द यदि बार बार आ रहा तो उसका समुच्चय कर लिया जाता, तो यहाँ बी और अति शब्द आपने दो दो बार लिख दी, समुच्चय वाला आपकी कह रहे हैं एक बार से भी काम चल जाता। शंका सूत्र में दो बार अस्ति शब्द का ग्रहण करना निरर्थक, क्योंकि समुच्चय आत्मक है तो एक बार लिखते तो भी दोनों तरफ अर्थ घटित हो जाता। समाधान नहीं, क्योंकि विस्तार से समझने की रुचि रखने वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए सूत्र में दो बार अस्ति पद का ग्रहण किया, विस्तार से समझने के लिए, यानी जो मंदबुद्धि है यदि अस्ति या नास्ति का प्रयोग नहीं करें तो कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। पहले भी इस तरह का प्रकरण आया था, उस समय अपन ने तत्व सूत्र के एक सूत्र का उदाहरण लिया था, एकादश जीवे, ना वह अस्ति का प्रयोग ना नास्ति का, बस इतना लिखा जिन्हें में ज्ञान है। तो परिणाम ये दिखला कि अपन लोगों ने अर्थ निकाला जिनमें ज्ञान है परिषय नहीं होते, और श्वेतांबरों ने अर्थ निकाले ग्यारह होते हैं, और होते हैं तो इसका मतलब भूख भी लगती है उन्हें, तो कबलाहार भी होता हो, रोग भी होता तो उसको शमित करने के लिए दवाइयां, इस तरह से आगे बढ़ गए। यानी स्थूल बुद्धि वाले वाक्य की अस्पष्टता में कुछ भी अर्थ निकाल सकते। एक नीति शास्त्र में सूक्ति आती है, मौनम मूर्खस्य लक्षी और मौनम सम्मति लक्षी, यानी कोई चर्चा चल रही है अपन मौन रहे, दो अर्थ पंडित हो सकते, या तो ये कि हमें इस विषय संबंधी कुछ पता नहीं इसलिए मौन, और दूसरा ये कि हमें आपकी बात स्वीकार है इसलिए मौन। तो सामने वाला क्या अर्थ समझे, आप उस विषय से अनभिज्ञ हैं, यह अर्थ समझिए कि आपकी उसमें स्वीकृति है, ये समस्या हो जाएगी। ऐसा यहां ये समस्या नहीं आ रही, इसलिए दोनों में ही अस्ति शब्द का प्रयोग कर दिया। जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होते वे तो प्रकरण से अर्थ निकाल लेंगे, स्थूल बुद्धि वाले नहीं निकाल पाते, उनके उपकार के लिए दोनों में ही अस्ति शब्द का। शंका तो इस सूत्र में संक्षेप से समझने की रुचि रखने वाले शिष्य अनुग्रहित नहीं किए गए, यानी आपने
विस्तार रुचि वाले शिष्यों के ऊपर तो कृपा कर दी। जो संक्षेप से समझना चाहते वे तो बोर हो जाएंगे, तो उनके ऊपर तो आपने अपकार कर दिया समाधान नहीं, क्योंकि विस्तार से समझने की रुचि रखने वाले जीवों का अनुग्रह संक्षेप से समझने की रुचि रखने वाले जीवों के अनुग्रह का अभिनव। मैंने कोई चीज विस्तार से समझा दी तो जो संक्षेप में समझ लेते हैं उन्हें बुरा नहीं लगेगा, उनके ज्ञान में और स्पष्टता आ जाएगी, तो उनका भी उपकार ही होना। अर्थात विस्तार से कथन कर देने पर संक्षेप ऋषि शिष्यों का काम चल ही जाता है, इसलिए यहाँ पर विस्तार से कथन किया है। अकेला संक्षेप में कथन करें तब तो कदाचित विस्तार रुचि वालों को समझ में आए अथवा नहीं आए ये समस्या हो सकती है, परंतु यदि विस्तार से कथन किया तो विस्तार रुचि वालों को तो समझ में आ ही गया, संक्षिप्त रुचि वालों को भी समझ में आ गया, दोनों का उपकार हुआ, इसलिए यहाँ पर विस्तार से कथन किया। ये योग पर्याप्त के ही होते हैं और ये योग दोनों के होते हैं, इस वचन को सुनकर जिन शिष्यों के पर्याप्ति के विषय में संशय उत्पन्न हो गया है उनके संदेह को दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहा गया है। क्या कहना चाहिए, पर्याप्तियों की चर्चा पहले कर चुके, अब चूंकि अगला सूत्र पुनः आ रहा है तो स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होना, ये तो पुनरावृत्ति हो गई, उसका औचित्य सिद्ध कर रहे, पुनरावृत्ति नहीं हुई है, सब आपके जैसी याददाश्त वाले नहीं, कितना कोई विस्मृत हो गया होगा, उनको लग गई पर्याप्ति क्या है, पर्याप्ति क्या है, तो उनके उपकार के लिए फिर से विषय को ले गए। यानी मूल आचार्य के प्रति कितनी निष्ठा, यदि कहीं पुनरावृत्ति में वह विषय आता है तो उसका भी औचित्य सिद्ध करने में टीकाकार अपनी बुद्धि का निरर्थक सिद्ध करने में नहीं, चूंकि पुनः आ गया विषय, पहले भी बिल्कुल ऐसा ही सूत्र था, पद्धति पद्धति पद्धति, तो फिर से आ गया है ये, तो उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए कोई भूल गए हो, किन्हीं को संदेह हो गया हो, तो उनके लिए फिर से ये बात पहले हिंदी मारना के अंतर्गत आया थे पर्याप्त पर्याप्त। पूरा सूत्र टीका में उठा था, मूल सूत्र में नहीं था, मूल सूत्र में अकेला पद्धति पद्धति
उसको लेकर के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं किन्हीं को कदाचित भ्रम हो गया हो भूल गए हो तो उनका संदेह नष्ट करने हेतु यहाँ पर्याप्त पर्याप्त की चर्चा कर रहे हैं। ये योग पर्याप्त के ही होते हैं, ये योग मन योग वचन योग और ये योग दोनों के होते यानी का योग दोनों के। इस वचन को सुनकर जिन शिष्यों के पर्याप्ति के विषय में संशय उत्पन्न हो गया, ये पर्याप्त या पर्याप्ति क्या है, उनके संदेह को दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहा गया छ छह पर्याप्तियां और छह अपर्याप्तियां होती है। पर्याप्तियों के संपूर्ण लक्षण को बतलाने के लिए उनकी संख्या ही पहले कही गई, यानी कितनों का लक्षण अपने को जानना, इसके लिए संख्या पहले बता दी। आहार शरीर इंद्रिय उच्छ्वास निश्वास, पूरा नाम उच्छ्वास निश्वास संक्षेप में अपन श्वास कह देते हैं। भाषा और मन, इनकी निष्पत्ति को पर्याप्ति ही कहते हैं, इनकी परिपूर्णता। वे पर्याप्तियां छह होती हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आनापान, इन्हें कितने नाम हो गए पर्यायवाची, एक तो श्वासोच्छ्वास, एक श्वास निश्वास, एक आनापान, ये सब श्वासोच्छ्वास के पर्यायवाची। भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इन छह पर्याप्तियों की अपूर्णता को ही अपर्याप्ति कहते हैं, यानी छह की पूर्णता पर्याप्त और अपूर्णता अपर्याप्त। अपर्याप्तियां भी छह ही होती क्योंकि अपूर्णता कोई होती भेदवादी। आहार अपर्याप्ति, शरीर अपर्याप्ति, इंद्रिय अपर्याप्ति, आनापान अपर्याप्ति, भाषा अपर्याप्ति और मन अपर्याप्ति, इन बारह पर्याप्तियों का स्वरूप पहले कह आए हैं, यानी ये जो इंद्रियों वाली चर्चा आई थी उस समय पर्याप्तियों की चर्चा यहाँ की गई थी, उसकी ओर संकेत के पहले कह आए थे, इसलिए अब यहाँ नहीं कह रहे हैं। ये प्रकरण आया था पुनः पर्याप्त पर्याप्त का प्रकरण 256 पेज से शुरू हुआ था, 256 257
और 258 यहाँ तक ये प्रकरण था। अपन ने भी इस पर चर्चा की थी, और पर्याप्त प्राण में ज्ञान का ये भी विषय देख चुके हैं अपन। तो इसलिए पुनरुक्ति दूषण के भय से उनका स्वरूप फिर से ही यहाँ नहीं कहते, यानी यदि भूल गए हो तो वहां पुनः पढ़ लेंगे 256, 257 और 258 पेज पर। अब उन पर्याप्तियों के आधार को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी ये पर्याप्तियां किन के कितनी होती। सन्नी मिच्छा बहुरी जाव असंदर सम्मा, ये सभी पर्याप्तियां संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्मि दृष्टि गुण स्थान तक होती है पर्याप्तियां। शंका, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वालों की भी 6 पर्याप्तियां होती हैं। ये प्रकरण ये जो 12 की बात की थी ना, इन्हें 6 पर्याप्तियां और 6 अपर्याप्तियां, ये सभी यानी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों दशाएं। तो संगी मिथ्या दृष्टि से लेके असंग सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान तक, इस सामान्य कहा इसको लेके प्रश्न। चौथे तक कहा उसमें तो तीसरा भी आ गया, और तीसरे में तो मरण होता नहीं, जन्म होता नहीं, तो वहां फिर अपर्याप्ति कैसे होगी। सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वालों के भी 6 पर्याप्तियां होती है क्या? समाधान, नहीं। क्योंकि उस गुण स्थान में अपर्याप्त काल नहीं पाया जाता, तीसरे गुण स्थान में ना मरण ना जन्म दोनों ही नहीं, तो अपर्याप्त काल की नहीं, यहां मात्र पर्याप्त नहीं। शंका, देश वीरता ऊपर के गुण स्थान वालों के 6 पर्याप्त क्यों नहीं? आपने तीसरे गुणस्थान की चर्चा को कर दी, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, इसलिए वहां पर्याप्त नहीं। पर यहां तो मर्यादा चौथे तक ही आपने बांधी है, इसका मतलब पांचवें आदि में भी पर्याप्त नहीं होती, क्यों नहीं होती? प्रश्न, समाधान नहीं। क्योंकि 6 पर्याप्तियों की समाप्ति का नाम ही पर्याप्ति, और यह समाप्ति चौथे गुण स्थान तक ही होने से पांचवें आदि ऊपर के गुण स्थान में नहीं पाई जाती, क्योंकि अपर्याप्ति की अंतिम अवस्था पर थी एक समय में पूर्ण हो जाने वाली पर्याप्ति की आगे के गुणस्थानों में सत्व होने में विरोध, यानी पांचवी आदि गुणस्थान पर्याप्तियां परिपूर्ण हो जाने के अंतर्मुहूर्त आगे की प्रकार तो सम्मोचन प्रियंश उनके अंतर्मोत भारतीय देश करते समुचन गर्भ है, उन्हें तो लंबा समय मनुष्य के तो 8 वर्ष दिन चुका अलग अलग काम, गर्भ काल के अनुपात में किन्हीं का 1.5 महीना, किन्हीं का 2.5 महीना ऐसा। पर समूचन पेंच पर्याप्त हुए उसके अंतर्मूर्त सम्यक्त उद्देश्य प्रकट करने के ये यहाँ कह रहे हैं कि पर्याप्ति
पूर्ण होने के बाद ही देश संयम आदित्य करते, वे तो पर्याप्त तो पहले हो चुके, इसलिए वहां पर्याप्तियों की चर्चा करने के लिए कोई अवसर नहीं है। छह पर्याप्तियों के सुनने से जिस शिष्य को यह निश्चय हो गया कि पर्याप्तियां छह ही होती हैं, सामान्य एक एक जीव की अपेक्षा देखेंगे तो ये केंद्रीय चार, दो इंद्रिय से असैनिक तक के पांच, सैनिक के छह, पर सैनिक की अपेक्षा देखेंगे छह ही, न सात आदि न पांच आदि। तो छह पर्याप्तियों के सुनने से जिस शिष्य को यह निश्चय हो गया है पर्याप्तियां छह ही होती हैं, हीना धितिम नहीं, उस शिष्य के ऐसे धारणा रूप निश्चय को दूर करने के लिए आगे का सूत्र करें, सभी जीवों के छह नहीं, मात्र संगीत पंचेंद्रियों के छह, बाकी के अलग, बाकी की व्यवस्था बताएं। उस विषय को स्पष्ट क्यों नहीं, इसका कारण ये था, चूंकि केवल उसके सुरत केवल तत्व परंपरा व्यवस्था चलिए, वहां तक तो कोई शंका के लिए अवसर नहीं है। इसके बाद सुरत केवलियों के विच्छेद के बाद में लिपिबद्ध होने के बीच में बहुत लंबा कर दिखाई नहीं गया, सब कुछ मौखिक मौखिक चल रहा है। जो मूल मूल बातें थी उनमें तो सबके एक रूपता बनी रही और कहीं कहीं विरूपता मौखिक होने की, तो जहां विरूपता आ गई अब निर्णय करने के लिए तो हमारे पास कोई अवसर ही नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद पर सुरत केवली हुए नहीं, केवली हुए नहीं, तो अब एक ही उपाय बचता है कि जो दृष्टि मिला वो दिख दे। यदि द्विरूपता वाला मिल रहा तो द्विरूपता लिख दे, और एक रूपता मिल रहा तो एक रूपता लिख दे। सुरत केवलियों के बाद में लिखे तो होने के बीच में वो लंबा अंतराल देगा, बस उसके कारण ये समझ। यदि सुरत केवलियों से तत्काल ही लिख गया हो तो ये समस्या नहीं, बहुत लंबा काल ये तो इसका कारण है ना, विग्रह गति आदि वाले विषय बहुचर्च,
ये तो अपन भी चाहे जब चर्चा ऐसी कर लेते हैं ना, तो ये जीव यहाँ से गया कैसे, गया होगा कहाँ, गया होगा क्या व्यवस्था होगी, ये तो क्योंकि जन्म मरण के प्रसंग बनते रहते, जब भी बनते हैं तो उन विषयों पर चर्चा हो जाती, तो ये बहुचर्चित विषय, इसलिए इनमें एक रूपता बनी। और जो बहुचर्चित नहीं बनी, जिसको जैसा याद रहा उन्होंने, द्विरूपता हमेशा उन्हीं में बन पाती जिन पर ज्यादा चर्चा का अवसर मिल गया, विस्मरण उनमें ही होता, जो चाहे जब चर्चित हो जाती है तो उनमें विस्मरण नहीं होता, एक रूपता बने। आदि वाले विषय बहुत, ये तो अकेले अपन ही थे, जनता ही पूछ बैठे मुझे यहाँ से गया कैसे गया होगा, वो वाले वो चित्रगुप्त का जोड़े, यमराज का जोड़े, कुछ भी, पर इसको लेकर के चर्चाएं बहुत हो, अपने आचार्य के बीच में भी होती होंगी, तो वो एक रूप से सुरक्षित हो। द्विरूपता का कारण ये भी वे विषय अधिक चर्चित नहीं हो पाए, और विग्रह गति आदि वाले विषय, गुण स्थान आदि वाले विषय कब सम्यक्त हो सकता, कब संयम हो सकता, ये चूंकि बहुत चर्चित, इसलिए इनमें एक रूप का सुरक्षित प्रश्न है। सजीव पर्याप्त जब तक पूरी माँ हो तो जीव अपर्याप्त तक हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आहार आदि पर्याप्ति पूरी हो गई हो और शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले जीव मर गया। ये जो क्षुद्र भाव वाले जीव है इन्हें लब्धिय पर्याप्त, उन्हीं के आहार पर्याप्ति की पूरी हो जाती, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाती, मर जाती। जैसे ही आहार पर्याप्ति पूरी होती तो नवीन आयु बनने की योग्य होगा, उसमें उनके भी आकर्षण पाएंगे, नई आयु बनेगी तो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी। इन मशीनों को कहां ज्ञान, पर भी पूरी व्यवस्था सक्रिय है ना, पूरे 8 हफ्ते इनकी आयु के प्रभाव में, चाहे जैसे नहीं तो श्वास के 18वें भाग में भी प्रभाव, और एक एक अगला अगला प्रभाव छोटा छोटा उसमें आयु बन, आहार पर्याप्ति पूरी होने के बाद वो अवसर आते, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाए, जो इनकी संख्या है 300, एक इंद्री में हर एक के 6,000-12,000, 2 इंद्री के 80, 3 इंद्री के 60, 4 इंद्री के 40, असंगी पंचेंद्री के 8, संगी पंचेंद्री त्रियंश के 8 और मनुष्य के 8, इस तरह से कुल 66,336 तीन में सब में ये नियम आती है, आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती और वहां से फिर आकर्षण शुरू हो जाएंगे, उनमें नवीन आयु का बंद करेंगे और शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही बढ़ेंगे। तो चूंकि ये विषय जिज्ञासा वाले रहते इसलिए बहुत चर्चित हो, मनुष्य और इनको तो मनुष्य का भी नहीं, जो क्षुद्र वाले हैं इनको मनुष्य का भी नहीं, त्रिंच त्रियंश में 2 इंद्रिय आदि हो सकते, वो आते थे मनुष्य सीधे मनुष्य में, जो मनुष्य अपर्याप्त उन्हीं के मनुष्य पर्याप्त
बाकी तीन जो कि बहुत निकृष्ट परिणामों का फल है। वो बेचारे को परिणाम का परिणाम तो यहाँ की देखे वो आयु तो यहाँ बंधी थी और उनके संस्कार पर वो आम ही चलते रहे। पहली आयु तो यहाँ बनी जब शनि पंचमी था तो यहाँ के जो अत्यंत निकृष्ट पड़े थोड़ी थोड़ी सी उपलब्धि में नए जन्म जैसी खुशी और थोड़ी थोड़ी सी प्रतिकूलता में अमर अमर तो मरण जैसा भयंकर दुख भोग। ये जो परिणाम इनमें हो जाते हैं छोटे क्या अभी क्या जन्म मरण के अस्थि जन्म मरण को वहां अभी तो मात्र लग रहा है कि अमर और हमारे तो बिल्कुल नया जन्म हो गया। ये शुरुआत यानी तब से पहले शत्रुभाव की आयु यहाँ मान जब ये होशवास में तब बने अब इसके बाद पहुंच तो भूसंस्कार में आ गए कर्म फल चेतना में आ गए बनती गई और वो संस्कार भी अधिक से अधिक वर्ष 66,336 ये कोई भी संस्कार हो नया जब तक उसे और पोषक कोई सामग्री नहीं मिले नहीं टूट जाता है संस्कार। यही स्थिति यहाँ नहीं ये उनका चक्र अधिक से अधिक 66 हर एक के इतना पूरा होगा इसकी भी गारंटी नहीं है पर वो तो इतनी इसकी अर्थ नहीं। प्रश्न ये खड़ा किया था कि देश विरत आदि के बिना स्थानों में पर्याप्त की चर्चा क्यों नहीं हुई समाधान पर्याप्त या पूरी होने के होने के अंतर ये संयम वाले गुणस्थान प्रकाश होते इसलिए यहाँ पर्याप्त 314 अब चूंकि यहाँ अभी तक ये चर्चा की थी 6 पर्याप्त तो किसी को ये भ्रम ना हो जाए सभी जीवों की इतनी बुद्धि होगी तो उसके लिए हम आगे की चर्चा पंच पद्धतियों पंच अपद्धतियों 15 पीछे पांच पर्याप्तियां और पांच अपर्याप्तियां होती यानी शनि पंचेंद्री के लिए 6 पर्याप्त और द्विंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक 5 पर्याप्त पर्याप्तियों का और अपर्याप्तियों का लक्षण पहले कहे आए हैं इसलिए अब फिर से नहीं कहते हैं। 256 257 और 258 पेज पर है यह चर्चा विस्तार से हो गई है शंका 5 पर्याप्तियों के भीतर आई जाती है इसलिए अलग रूप से 5 पर्याप्तियों का कथन करना निष्फल 6 की चर्चा की इसका मतलब 5वीं होती होगी समाधान नहीं क्योंकि किन्हीं जीव विशेषों में समूह पर्याप्तियां
पाई जाती है और किन्हीं जीवों में पांच ही पर्याप्तियां पाई जाती है। इस बात का प्रतिपादन करना इस सूत्र का सैनी पंचमी के तो छह पर दो इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय पांच उनके मन पर्याप्ति नहीं ये बताने के लिए अलग से पांच की चर्चा भी। पांच पर्याप्तियां कौन सी है समाधान मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष पांच पर्याप्ति यहाँ पर आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास और भाषा वे पांच पर्याप्तियां किनकी होती हैं। इस प्रकार संशयापन्न शिष्य की शंका दूर करने के लिए आगे का सूत्र ती इंद्रिय पौड़ी जब असन्निहित पंचेंद्रिया वे पांच पर्याप्तियां द्वींद्रिय जीवों से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत यानी मन नहीं होता द्वींद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय विकलेंद्रिय जीवों में भी मन है अभिष्ट क्योंकि मन का कार्य जो विज्ञान मनुष्यों में है वही विकलेंद्रीय जीवों में भी पाया जाता है। यह बात निश्चय करने योग्य नहीं है क्योंकि विकलेंद्रियों में रहने वाला विज्ञान मन का कार्य है यह बात क्या कहना चाह रहे आपने कहा दो इंद्रिय से लेके असंगी पंचमी तक मन में हम तो उनके बहुत व्यवस्थित कार्य देखते हैं यानी चींटी जिस बामी से निकलती है उसी में पहुंच जाती है कैसे पहुंच गई बराबर पंक्ति बद्ध चलती मधुमक्खी जिस छत्ते से निकलती पुनः उसी छत्ते में आ जाती और कितना सुंदर मधुमक्खी का छत्ता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़ा छत्ता बन गया किसी मनुष्य ने भगाने की कोशिश की वो पूरा छत्ता उखाड़ करके लेके भाग जाती देखा तो यही देखा जो ऊपर चैतन्य बसेरा अपने 109 कमरे के ऊपर तो 109 कमरे के बाद जो वो रसोई घर वाली थे वहां बहुत बड़ा छत्ता बार बार परेशानी हो रही होगी उन्हें पानी लगा तो पूरा का पूरा छत्ता पूरा मधुमक्खी लेके जा रहे सैकड़ों क्या हजारों बड़ा सब तो वहां देखा तो बिल्कुल साफ ये चींटी होती है चींटी वैज्ञानिक लोग कहते हैं इस समय अपने वजन से चार गुना वजन बढ़ने की क्षमता अरे ये तो अपन छोटे बच्चों में देखते छोटा बच्चा भी अपने वजन से करीब करीब दो ढाई गुना वजन कुछ भी अपने वजन से दो ढाई गुना वजन वो निर्भय रहती है ना पन्नों को थोड़े गिर जाए इसलिए रह जाते
बच्चे उस पर रह के रहते हैं। ये देखा हो कभी कभी एक बच्चा दूसरे बच्चे को उठाता है, बिल्कुल बिल्कुल दुबला पतला है, उठा देता है ऐसा, करीब करीब 2-2.5 गुना बहुत। एक प्रश्न इस पर नहीं, इतना संगठन जो उतना बड़ा छत्ता मधु से भरा हुआ, हजारों मधुमक्खियों में एक दिशा में उड़ रही है, ये बिना मन के कैसे हो गया? यदि आपने एक मधुमक्खी एक छत्ते में की एक मधुमक्खी को परेशान किया, सारी मधुमक्खियां आपके टूट पड़ेंगी, एक नहीं, बिना मन के कैसे हो गया काम? इसका मतलब उनके मन ये प्रकरण आम चलता है, आज का विज्ञान भी यही कहता है, और वो उस पर चर्चा करना, ये काम मन का नहीं है, ये कहीं ज्ञान। मैंने उनके जो 2 इंद्रिय संबंधी 3 इंद्रिय संबंधी 4 इंद्रिय संबंधी असैनी 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, ये उसका काम है, मन का ये काम नहीं। मधुमक्खी तो कितनी कितनी दूर से यानी बीच में कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं, 1.5-2 किलोमीटर तक, और यहाँ लगा रखा उन्हें अपनी छत्ता, 2-2 किलोमीटर दूर से, और कोई उनके पास बर्तन नहीं है, माथो अपनी से चौच उसमें फूलों का रस लेके आती है, और यही अब ये जोड़ने वाले चार भी आदि शक्ति भी अलग है। मधुमक्खी का थोड़ा सा वो काले रंग, एक और वो रहती पीली वाली, इन्हें कहा सफेद रंग, मतलब मोम जैसा सफेद, मोम जैसा सफेद। इतना सब कर रहे हैं तो मन के बिना कैसे? आज के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, ही कोई तर्क, इसका मतलब उनके मन मानना चाहिए, ये तर्क दिया। आचार्य कह रहे हैं मन का काम नहीं, ये तो ज्ञान का काम। तो जो उनके 4 इंद्रिय संबंधी असैनी 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान उसके बल पर एक शंकर, मनुष्यों में जो विशेष ज्ञान होता है वह मन का कार्य है, यह बात तो देखी जाती है, यानी मनुष्य में जो करता सोच विचार के, तो ऐसे ही उनके भी मन समाधान। मनुष्यों का विशेष ज्ञान यदि मन का कार्य है तो रहा, क्योंकि वह है उचित देखा जाता है, मूल में मन का कार्य याद रखना, समझना, संकेतों के बल पर कुछ समझ लेना, ये मन का कार्य, ये मनुष्यों के होता है, विकलेंद्रियों के बोल नहीं, इसलिए उनके मन नहीं। शंकर, मनुष्यों में मन के कार्य रूप से स्वीकार किए गए विज्ञान के साथ विकलेंद्रियों में होने वाले विज्ञान की ज्ञान सामान्य की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं, इसलिए यह अनुमान किया जाता है कि विकलेंद्रियों का विज्ञान भी मन से होता है। यानी जैसा मनुष्य बराबर 4 संज्ञाओं में प्रवृत्त होता है, संग्रह करता है, निग्रह भी करता है, ऐसे ही विकलेंद्री भी करते रहते, तो क्यों ना माना जाए कि उनके मन का समाधान नहीं, क्योंकि भिन्न जाति में स्थित विज्ञान के साथ
भिन्न जाति में स्थित विज्ञान की समांतर नहीं बन सकती। विकलेंद्रियों के मन नहीं होता है, यह आगम प्रत्यक्ष से भी बाधित नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं होती। तो एक आगम प्रमाण दिखता है। तर्क में क्या कह रहे हैं? भिन्न जाति वालों में स्थित विज्ञान, भिन्न जाति वालों में स्थित विज्ञान इस समान नहीं। देखो ऐसा नहीं, आपने तो कदाचित तैरना हो, अलग किसी को बिना सीखे तो कोई नहीं तैर, वो अलग से सीखने के लिए कोई माध्यम, चाहे ट्यूब ले गए, चाहे पूरा बंद पीपा ले गए, कुछ भी ले गए, कोई माध्यम मटका ले गए, कुछ भी ले गए माध्यम, तो भी तब जैसे तैसे सीख पाए। कदाचित सीख लिया तो पूरे तैरा को कुशल तैरा, यानी कितने तूफान आ रहा हो समुद्र में तो भी हम नहीं डूबे, ये क्षमता नहीं होती इतना श्रम करने के बाद। अपन शनि पंचमी, मछलियां भी शनि पंचमी, उन्हें तैरने के लिए क्या क्या माध्यम करना पड़ा, कितनी कुशल तैराक होती, भयंकर तूफान ज्वार भाटा मछलियां नहीं मरती, मतलब उसके काफी अपने आयु से तो मर भी रहे, पर चूंकि इतना तूफान आ गया, इतनी तेज लहरें उठी, इसलिए मछली मर गई, ऐसा नहीं। और भी जलचर प्राणी मगर आ गए। यहाँ ये कह रहे हैं, चूंकि हम भी शनि पंचमी, वे भी शनि पंचमी, ज्ञान एक साथ करने में तो फिर भी थोड़े बहुत अपन तैर लो, उड़ने में चिड़िया किसने सिखाया, तो कितनी उड़ती रहती, कितनी कितनी दूर तक। तो चूंकि हम शनि पंचेंद्री, वे भी शनि पंचेंद्री, तो हमारा ज्ञान भी उनके जैसा होना चाहिए, ये कोई तर्क है? तो विविधता स्पष्ट देखी जा, ये कह रहे हैं कि एक सी जाति की अन्य जाति वालों के ज्ञान से समानता लोक में भी नहीं देखी जाती, एकदम अलग अलग दिखे। गाय भैंस आदि, गाय भैंस पक्षियों आदि को भी भूकंप आदि का पहले से पता लगता है, बरसात आदि का, ओलावृष्टि आदि, ठंड का इस साल किस स्तर की गर्मी पड़ेगी, इसका ये जो चींटियां आदि होती हैं, मधुमक्खी आदि, ये अपने स्थान परिवर्तन करती है, ये इसके बल पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वही उनका छत्ता बन, लगा इस साल ज्यादा गर्मी पड़ी, इन दिनों भी अपने छत्ते की बदलते, अपनी तो मशीनें फेल हो गई, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कितनी कितनी घोषणाएं होती तो फेल हो रहे, तो उनका ज्ञान उनको लेकर के हम कहें कि हम भी जान रहे हैं, बता जाए, ये कह रहे हैं जाति अलग अलग है, तो ज्ञान का उहार अलग अलग है, एक से दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती। उनको जन्म जाति प्रतिभा है, तो बिना मन के इतने सुव्यवस्थित अपने काम कर लेते, तो मनुष्य के वो नहीं, या उसे मन का अवलंबन लेना होगा, ये तथ्य। अब जिनागम ये कहता है असैनी पंचेंद्र तक मन नहीं, और
असैनी पंच इंद्रियों में जो मन आप सक्रिय कर रहे हैं, तो वहां आपका काम्य अभिहारिक प्रत्यक्ष काम होगा। क्यों? काम्य अभिहारिक प्रत्यक्ष तो अपना मन भी नहीं दिखा, अपने आगे लिखा हृदय स्थान पर खिले हुए आठ पंखे वाले कमल के समान। हृदय स्थान का जर्रा जर्रा छान डाला डॉक्टर ने, कहीं वो आठ पंखे का कमल नहीं था। तो अपने छायोपशमिक ज्ञान द्वारा अपने ही द्रव्य मन को नहीं जान सके, दूसरों की को कैसे जान लेंगे? चूंकि उनका कार्य बहुत व्यवस्थित चल रहा, इसलिए मन वाले होंगे, ये उचित नहीं। सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि वहां ये नहीं नहीं है, मतलब नहीं। पहला तर्क से सिद्ध कर दिया कि हर जाति वालों को अलग अलग प्रकार की योग्यता होती है, और दूसरा आगम से सिद्ध कर, आगम स्पष्ट कह रहा है कि असंगी पंच नहीं होता। शंका, विकलेन्द्रियों में मन का अभाव है, यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? समाधान, आगम प्रमाण से जाना जाता है कि विकलेन्द्रियों के मन नहीं होता। शंका, आर्थ को प्रमाण कैसे माना जाए? समाधान, जैसे प्रत्यक्ष स्वभावतः प्रमाण है, उसी प्रकार आर्ष भी स्वभावतः प्रमाण। एक प्रमाण की सिद्धि दूसरे प्रमाण के थ्रू करनी पड़ती है। हमने आपको अपनी आंख से प्रत्यक्ष देखा, तो हमने कहा भाभी जी क्या प्रमाण के भाभी देख रहे हैं, और किसी प्रमाण से सिद्ध करें, सिद्ध हो गया ना, अब दूसरे की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही यहां जैसे इस काम्याभिहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण अपन मानते हैं, आगम भी ऐसा ही प्रमाण, जैसे काम्याभिहारिक प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे आगम प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगम प्रमाण तो केवल ज्ञान की वाणी से प्रमाण है। कदाचित साम्यव्यहारिक प्रत्यक्ष में अंतर होगा, तो होता है कोई दो जन लगभग एक से लड़ते और हमें देखने में थोड़ी समस्या आती है, दूर से देखा लगाने बारीकी से देख, जो चम्मच थे पर आगम प्रमाण तो सर्वज्ञ की वाणी से जुड़ा हुआ, वहां तो इस तरह की शिथिलता के लिए कोई आवश्यकता नहीं। आगम स्वभाव से प्रमाणित है, अपनी भीतरा की वाणी होने के कारण प्रमाण कर, उसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस तरह से दो इंद्री से लेकर के असैनिक पंच इंद्रिय तक पांच पर्याप्ति हैं, पांच पर्याप्तियां ये सिद्ध किया। अब एक इंद्री फिर भी पर्याप्तियों की संख्या के अस्तित्व में भेद बताने के लिए आगे का सूत्र कहते, यानी अकेले छह महीने अटकना, पांच महीने अटकना, अभी एक भेद चत्तारी पद्धतियों, चत्तारी अपद्धतियों, चार पर्याप्तियां और चार अपर्याप्तियां होती है। किन्हीं जीवों में चार पर्याप्तियां अथवा किन्हीं में चार अपर्याप्तियां होती, वे चार पर्याप्तियां कौन सी है? आहार पर्याप्ति,
शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और आनापानी पर्याप्ति, ये चार पर्याप्तियां शेष कथन सुगम। मैंने इनकी चर्चा पहले विस्तार से 256-57 करा थी, वहां से याद करूंगी। चारों पर्याप्तियों के अधिकारी जीवों के प्रतिपादन करने के एक एक ही मंत्र आगे का सूत्र कहते, ये इंद्रियां उक्त चारों पर्याप्तियां एक इंद्रिय जीवों के, एक इंद्रियों के चार, दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के पांच और संगी पंचेंद्रिय, वे चारों पर्याप्तियां एक इंद्रिय जीवों के ही होती है, दूसरों के नहीं। शंका, एक इंद्रिय जीवों के उच्च वास्तव में भी पाया जाता है बिना तो उनके होती है, तो आप कैसे कह रहे थे आप? समाधान नहीं, क्योंकि एक इंद्रियों के श्वासोच्छ्वास होता है, यह बात आगम प्रमाण से जानी जाती है। आपको हरे नागेंद्र के नाक में श्वासोच्छ्वास का है, श्वासोच्छ्वास एक अलग पर्याप्ति है, प्राणिक है, वो क्षमता उनमें है। क्षमता प्रत्यक्ष से यह आगम बात है, प्रत्यक्ष मतलब काम्य व्यवहारिक, हमें तो कोई श्वास कुछ बात लेते नहीं दिख रहे, वो आप कह रहे आगम में लिखा, ये तो बाधित हो रहे हैं। समाधान, जिसने संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लिया है, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि बाधा संभव हो तो वह प्रत्यक्ष बाधा कही जा सकती है। बहुत सुंदर, परंतु इंद्रिय प्रत्यक्ष तो संपूर्ण पदार्थों का विषय ही नहीं करता है, जिससे कि इंद्रिय प्रत्यक्ष की विषयता को नहीं प्राप्त होने वाले पदार्थों का अभाव किया था। क्या कह रहे, सामने वाले ने तर्क दिया था, ये जो आपने एक इंद्रियों की चर्चा की, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, हमें तो इनका श्वासोच्छ्वास नहीं दिखता, ख्याल में नहीं आता। आपने कहा आगम से सिद्ध, तो आगम तो हमारे ज्ञान से टकरा रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान से। समाधान ये दिया, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कितना थी? अपनी पीठ देखी कभी, पीठ है कि नहीं है? देखी नहीं तो कैसे है? जब देखी नहीं कैसे मानी की है कि आपकी दिख रही, आप जैसे हम आपके हैं तो हमारी भी होगी। ये कह रहे हैं कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है उसकी सीमा कितनी, तब उससे निर्णय करोगे। यानी आपने अपनी माँ की माँ की माँ की माँ को देखी नहीं, क्योंकि नहीं क्या प्रमाण नहीं, नहीं माटी 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 ठीक ही नहीं था, क्या प्रमाण कि नहीं तो हम नहीं होते, वे नहीं होती तो उनकी बेटी नहीं होती, वो नहीं होती तो उनकी बेटी नहीं, वो नहीं होने तो हमारी माने, हमारी मानी हो तो हम नहीं होते, चूंकि हम ही है, इसका मतलब हमारी माँ भी थी, उनकी माँ भी थी, और उनकी माँ भी थी, और उनकी माँ भी थी। प्रत्यक्ष अपना कितना सा है, इससे हम सिद्ध करेंगे सब कुछ। ये कह रहे हैं यहाँ, यदि केवल ज्ञान जो प्रत्यक्ष है संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानने वाले, उससे बाधा आए तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष से बाधा आई, पर्यागम तो केवल ज्ञान की वाणी, उससे तो बाधा आ नहीं रही। अब हमारे प्रत्यक्ष से
कि हमारे प्रोटेक्ट में दम क्या, हेलीकॉप्टर रुकी, हेलीकॉप्टर छोड़ दे, हवाई इतना बड़ा हो, पांच पांच सौ यात्री भी बैठ जाते और सारे यंत्र घूमने लगे और सारी व्यवस्था मैंने लैट्रिन बाथरूम में सब कितनी बड़ी चीज है, तो हमें तो इतना सब यहाँ पे देखी इतना सब चिड़िया जैसा देख है ना, अपनी अपने इंद्रिय ज्ञान की तो ये हालत है ना, जिसमें 500 यात्री बैठ गए और अपनी रेलगाड़ी और बस जैसे नहीं कि थोड़ी सी भीड़ हो जाए, वहां तो एकदम अलग अलग और उन सब के लिए बाकी भी व्यवस्थाएं भोजन पानी आदि और सारी मशीन भी दुगनी दुगनी, कितना विषय हमें इतना सभी माने ये कह रहे यार कि अपने ज्ञान से ना अपने बैठे हो, अपने ज्ञान की हैसियत तो पहचान लो पहले। हाँ यदि केवली भगवान के ज्ञान से विरोध आता तो हम विरोध मानते, पर ये तो वाणी ही उनकी, उनके ज्ञान से तो विरोध आ नहीं रहा, मूल प्रत्यक्ष ज्ञान उनका। तो जिसने संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से केवल ज्ञान से, यदि बाधा संभव हो तो वह प्रत्यक्ष बाधा कही जा सकती, परंतु इंद्रिय प्रत्यक्ष अपन लोगों वाला ये साम्यवादी तो संपूर्ण पदार्थों का विषय नहीं करता है, जिससे कि इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषयता को नहीं प्राप्त होने वाले पदार्थों का अभाव हो जाए, अपने ज्ञान की स्थिति का विचार कर लो, इसके बाद निर्णय कर लो। तो सिद्धि क्या किया कि एक इंद्रियों के भी श्वासोच्छ्वास होता है, नाक दो इंद्रियों के भी नहीं है तो उनके भी श्वासोच्छ्वास होता है, इतने ही नहीं है ये लट आदि होती चावल आदि में जो हो जाते हैं अच्छे सूखे चावल रहते पानी का लेश नहीं, उस लट को पानी का कहां से मिल जाए, कदाचित धोखे से मसल जाए कहां से आए, लट होती ना लट अपन उसको संभालने के लिए रहता है और धोखे से वो पानी आए, पानी कहाँ से आए, तो वो ही तो कहाँ से आए, तो उसमें ही पैदा हुई, बिल्कुल डिप चावल सूखे थे लिक्विड वहां को खाई दे, एकदम सूखे नहीं, तो प्रश्न ये कि वो लिक्विड बना कहाँ से आया, उसको डिब्बे में तो बिल्कुल नहीं था, चावल एकदम सूखे, ये बातें अपने तर्क गोचर दी आगम गोचर, ये आगम कह रहा था कि जिन आर वर्णों को ग्रहण करता है जीव उनको दो भागों में बांटे, खर भाग रस भाग यानी फूल ठोस भाग और रस भाग, तो जो वो रस भाग था उससे वो बन गया, समूर्छन कहां से, जीव को प्रवेश करने के लिए कोई दरवाजा थोड़ी चाहिए, पूरा डिब्बा बंद और तो भी कहीं से भी जीव मर के वहां चलेंगे,
उसके लिए कोई दरवाजा खोलना चाहिए कि दरवाजा खोलो तो आप आएंगे, कहीं भी कितने पैक हो तो भी कहीं से भी आकर के जन्म लिया, तो बंद टंकी में हो गए। नहीं, कहना ये चाह रहे थे कि अपने ज्ञान की दुहाई मत दो, पासंग में नहीं बैठना है अपना ज्ञान, उसकी दुहाई देने चले कि हमारे ज्ञान से टकरा रहा है। हाँ, सर्वज्ञ के ज्ञान से टकराए तो बात कर, पर तो वाणी ही सर्वज्ञ, तो उनसे टकराने का तो प्रश्न नहीं। इस प्रकार पर्याप्ति और अपर्याप्ति का कथन करके अब इस जीवन में यह योग होता है और इस जीव में यह योग नहीं होता है, इसका कथन करने के लिए आगे का श्लोक कहते। मन संबंधी तो चर्चा कर चुके थे, काय वाली चर्चा रह गई थी, और काय योग की चर्चा यहाँ से किनके होता किनके भी और औदारिक मिश्र कायोग अपर्याप्तकों के छह पर्याप्ति शनि पंचेंगे, पांच पर्याप्ति दो इंद्रिय से लेके शनि तक, अथवा चार पर्याप्त मतलब एक इंद्र से पूर्णता को प्राप्त हुए त्रियंच और मनुष्य पर्याप्त कहलाते, तो क्या उनमें से किसी एक पर्याप्ति से पूर्णता को प्राप्त हुआ पर्याप्त कहलाता है, या संपूर्ण पर्याप्त से पूर्णता को प्राप्त हुआ पर्याप्त कहलाता है, यानी जिनकी छह तो छह पूरी हो तब पर्याप्त, कि कोई एक दो पूरी हो तो भी पर्याप्त कहलाने लगेगी। समाधि 318 पेज पर सभी जीव शरीर पर्याप्ति के निष्पन्न होने पर पर्याप्त कहे जाते, यानी आहार पर्याप्ति की पूर्णता से पर्याप्त नाम नहीं, शरीर पर्याप्ति की पूर्णता से पर्याप्त नहीं पा जाते। उनमें से पहले औदारिक कायोग का लक्षण कहते हैं, अग्नियोगों का लक्षण पर्याप्ति को प्राप्त हुए शरीर के आलम्बन द्वारा उत्पन्न हुए जीव प्रदेश परिस्पंद से जो योग होता है उसे औदारिक कायोग कहते, मनुष्य अपनी अपनी पर्याप्ति पूरी हुई, एक इंद्र के चार संबंधी शरीर पर्याप्ति की पूरी, दो इंद्र से असैनी तक के पांच और सैनी के छह शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई। इसके बाद उस शरीर का निमित्त आत्म प्रदेश में कम पाए उसका अवदा कार्य, और अपर्याप्त अवस्था में अवदार के मिश्र कार्य होता, जिसका तात्पर्य इस प्रकार है कि कार्बन और औदारिक शरीर के स्कंदों के निमित्त से जीव के प्रदेशों में उत्पन्न हुए परिस्पंद से जो योग होता है उसे औदारिक मिश्र कार्बन, अपर्याप्त दशा में आहार वर्ग और कार्बन वर्ग इनका मिश्रण चल रहा, और उस मिश्रण के निमित्त काम आत्म प्रदेश का कम है, इसका नाम औदारिक मिश्र का। शंका,
पर्याप्त अवस्था में कार्मण शरीर का सद्भाव होने के कारण वहां पर भी कार्मण और औदारिक शरीर के स्कंधों के निमित्त आत्मा के प्रदेशों में परिष्कार होता है, इसलिए वहां पर भी औदारिक मिश्र कायों को नहीं कहा जाता। बहुत अच्छा, कार्मण का मिश्रण होता है तो कब नहीं है कहा, हमेशा हमेशा है तो फिर हमेशा इसको मान। आप मात्र अपर्याप्त दशा में संबंध हो क्यों मान, पर्याप्त दशा में कार्मण शरीर नहीं है, वहां कार्मण के मिश्रण से मिश्र काय को नहीं मानना समाधान नहीं, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में यद्यपि कार्मण शरीर विद्यमान है फिर भी वह जीव प्रदेशों को परिस्पंद का कारण नहीं है। निरुपभोग माध्यम के अंत का शरीर उपभोग जहां पंचेन्द्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति हुई अब उसका कोई योगदान उसमें नहीं, उसको लेकर के कम नहीं। यदि पर्याप्त अवस्था में कार्मण शरीर परंपरा से जीव प्रदेशों के परिस्पंद का कारण कहा जाए सो भी ठीक नहीं, क्योंकि कार्मण शरीर को परंपरा से निमित्त मानना उपचार है। यदि कहें तो उपचार का भी यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाए सो भी ठीक नहीं, क्योंकि उपचार से परंपरा रूप निमित्त के ग्रहण करने की यहाँ विवक्षा नहीं, तो विवक्षाओं के ऊपर आधारित रहता यहाँ उसका कोई प्रकरण नहीं है, इसलिए उपचार को ग्रहण नहीं किया, यहाँ मात्र वास्तविकता को ग्रहण किया। और वास्तविकता कि कार्बन शरीर से चुके पंचेंद्रिय विषय भोग आदि में प्रवृत्ति नहीं होती, पर्याप्त पानी पर वो काम होने लगता तो वहां कार्मण शरीर निष्क्रिय उसके माध्यम से आप परिस्पंद को बंद का कारण मानने पर संचार करते हुए मेघों के भी कर्म बंद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके भी परिस्पंद पाते जाते से लाते हैं। समाधान नहीं, क्योंकि कर्म जनित चैतन्य परिस्पंद ही आस्त्रों का कारण, सूखा पत्ता भी हवा से उड़ रहा है उसे थोड़ी कर्म बनना है, चैतन्य का संबंध जहां है उसके परिस्पंद से यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। मेघों का परिस्पंद कर्म जनित तो है नहीं जिससे वह कर्म बंध के आश्रयों का हेतु हो सके, अर्थात वो पूर्ण किया जड़ अच्छी तरह ये सूखे कपड़े आदि हिल रहे जड़ अच्छे तरह तो उनको कोई कर्म नहीं बनना, कागज आदि हिल रहा जड़ अच्छे धन तो कोई कर्म नहीं। इस तरह से औदारिक और औदारिक विश्व की चर्चा, अब वैकृत वैकृत विश्व इसकी चर्चा होती है। हाँ यदि हर्ष प्रसाद करेंगे तो अपने को अच्छा लगा बुरा लगा वो तो अपने मुंह में आगे से और ये तो हर एक में ही है, शरीर को कर्म नहीं बन रहा और शरीर के निमित्त अपन मुंह में आगे कर रहे तो अपने को कर्म नीचे नीचे में बताए
Thank you.